हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है तो इससे हमें अपने पौधों की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ रही है। तो आज का टॉपिक ये है कि हम अपनी तुलसी की कैसे केयर करते हैं। वैसे तो हर कोई अपने प्लांट की अच्छे से केयर करते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं अपनी तुलसी की कैसे केयर करती हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि हमारी तुलसी सूख जाती है, तो केयर करने के बावजूद भी उनकी तुलसी सूख जाती है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं कैसे केयर करती हूँ। तो वैसे आप करके देखिए तो आपकी तुलसी नहीं सूखेगी और बिल्कुल हरी भरी और ग्रीन रहेगी। और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो फिर शुरू करते हैं। हम पौधे की महीने में 2 महीने में एक बार ऐसे गुड़ाई कर दें ताकि इसकी जड़ों को हवा मिलती रहे और ये अच्छे से ग्रोथ करती रहे। अगर हम इसकी गुड़ाई नहीं करेंगे तो इसकी जड़ों को हवा नहीं लगेगी और ये इसकी जब जैसे इसकी जड़ें रुक जाएंगी तो ये पौधा भी हमारा बढ़ने से रुक जाता है। और जैसे जड़ें इसकी जितनी फैलेंगी, जितनी हवा लगेंगी, तो वैसे ही हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। और तो ये इसकी महीने में और 2 महीने में या 15 दिन में आप इसकी गुड़ाई करते रहें। और दूसरा, इसमें पानी की मात्रा कम रखें कि इसको, मतलब ये है कि इतनी वाटरिंग दे इसकी, ये मिट्टी देखो ऐसे, मतलब ये वाली मिट्टी ऐसे रहे कि ना ज़्यादा सूखे और ना ही ज़्यादा वो रहे, टाइट रहे। ये देखो इतनी, मतलब पानी की मात्रा ऐसे रखे कि आपकी तुलसी की मिट्टी ये ऐसी इतनी गीली रहे, और तभी पानी दे इसमें, तब मतलब थोड़ी सी सूखने के बाद ही पानी दे। और कम वाटरिंग दे इसमें, ज़्यादा वाटरिंग ना करें। अगर ज़्यादा वाटरिंग करते भी हो तो आपके अगर सीमेंट के गमले हैं तो उसमें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये गमले पानी को सोख लेते हैं। और ये देखो ये प्लास्टिक के गमले में है, तो ये देखो मैंने दोनों का एक साथ पानी दिया था, तो इसकी मिट्टी देखो कितनी गीली है और ये इसकी मिट्टी, ये देखो। तो ये फर्क है कि इसमें, अगर आपकी तुलसी प्लास्टिक के गमले में लगी हुई है तो बहुत कम वॉटरिंग करें, और जो सीमेंट के या मिट्टी के गमले में अगर आपकी तुलसी लगी हुई है तो उसमें आप ज़्यादा पानी भी दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो गमले हैं ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं। और ज़्यादा पानी देने से पौधे की जड़ें हैं वो नीचे से काली पड़ जाती हैं, सूख जाती हैं, वो सूखने वो गलने लग जाती हैं, तो हमारा पौधा तब ऊपर से सूख जाता है और हमें पता नहीं चलता कि पौधा हमारा क्यों सूख रहा है। और उसका कारण यही होता है कि इसकी जड़ें गलने लग जाती हैं ज़्यादा वॉटरिंग करने से, और इसीलिए हमारा पौधा सूखता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये देखो ये हमारी तुलसी है, अब इसमें फ्लावरिंग आनी शुरू नहीं हुई है, तो इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं। ये देखो बहुत बड़ा साइज है पत्तों का, क्योंकि इसमें अभी फ्लावरिंग सही शुरू नहीं हुई है। तो और इस ये जब ये इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, ये देखो ये वाली फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, तो तुलसी के पत्ते का साइज छोटा होता चला जाता है, क्योंकि ये तुलसी के जो भी तुलसी की जो पूरी ताकत होती है वो ये खींच लेते हैं, और तुलसी के ये जो पत्ते हैं ये देखो छोटे होने शुरू हो जाते हैं। तो इसकी आप कटिंग कर लें तो इससे आपका पौधा बिल्कुल पत्ते बड़े हो जाएंगे और तुलसी का पौधा आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब ज़्यादा और घना हो जाएगा, बिल्कुल ग्रीन। तो ये इसकी आप कटिंग कर दें। अगर आपको प्लांट लगाना है तो एक दो टहनी आप छोड़ दें बीज के लिए, तो आप उससे आप अपने नए प्लांट बना सकते हैं। और इसकी ये कुछ जो सूखी सूखी टहनियाँ हैं इसको भी काट लें, जैसे ये है तो इसको ये टहनी है जैसे सूखने लगी हुई है, तो ये भी काट लें आप इनको भी। और इसको ऐसे ही ना फेंकें, इसको हम आगे जैसे इकट्ठा करके इसको सुखा के और खाद बना लेंगे। और अगर हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो ये लंबी होती जाएगी और इसका मतलब साइज छोटा होता जाएगा, पत्ते छोटे होते जाएंगे, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे तो ये गोलाई में फैलेगी और बहुत बड़ नई नई इसमें से पत्तियां टहनियां निकलेंगी और ये एकदम से गोल गोलाई में हो जाएगी। ये देखो ये इसकी मैंने कटिंग की थी तो ये थोड़ी, और ये मैंने इसकी कटिंग नहीं की थी तो ये लंबी होती जा रही है, और ये मैंने काफ़ी, और अब इसकी कटिंग कर दूंगी तो ये भी अपनी गोलाई में हो जाएगी।
एक ऐसा प्लांट है, ये हर घर में आपको मिलेगा क्योंकि इसके इतने फायदे हैं। जैसे कोरोना टाइम था, कोरोना टाइम में हमने सब ने इसके गाढ़े बना बना के पिए हैं। और जैसे सर्दियों में ये बहुत यूजफुल होती है, खांसी जुकाम जैसे भी, उसमें हम चाय में डाल के इसको चाय में डाल सकते हैं, वैसे भी इसके गाढ़े बना सकते हैं। तो ये सर्दी में भी बहुत फायदेमंद होती है, तो इसलिए ये हर घर में मिलेगी। ये बेजिल का पौधा है, तो इसको बहुत लोग मरवे का पौधा भी बोलते हैं इसको, तो इसको भी आप अपनी तुलसी के साथ ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसकी स्मेल से जैसे तुलसी में कीड़े लग जाते हैं कई बार, तो वो कीड़े से बचाए ये बचा रहेगा हमारा पौधा। और इसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं, जैसे बीपी हाई होता है तो उसमें इसकी चटनी बना के खा सकते हैं। और ये पौधा भी ऐसा है, एक बार आप इसको लगा लेंगे तो इसके जो ये बीज हैं, ये अपने बहुत सारे बीज आ जाते हैं इसमें, उसकी कटिंग करते रहें तो ये पौधा ऐसे ग्रीन रहेगा। अगर आप इसके बीज की ये कटिंग नहीं करेंगे तो ये भी बहुत जल्दी सूख जाएगा और ये पत्ते आने इसमें बंद हो जाएंगे और बीज से भर जाएगा और इसके बीज जहाँ जहाँ गिरेंगे तो। और ये जो इसके बीज हैं, ये देखो आप, ये बीज जहाँ जहाँ भी इसके बीज गिरते हैं वहीं इतने सारे पौधे बन जाते हैं। अगर आपको नए पौधे बनाने हैं तो वो भी आसानी से बना सकते हैं आप। ये इसके बीज हैं, आप जहाँ भी किसी भी गमले में डाल दोगे तो थोड़े दिन में ही इसके छोटे 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 बहुत सारे पौधे बन जाएंगे और वो भी बना सकते हैं। जैसे मेरे तो खुद ही अपने आप ही बीज गिर जाते हैं और अपने आप ही छोटे छोटे बहुत सारे पौधे, देखो ये जैसे ये निकला हुआ है, ये वाला ये है, और ये भी मेरा इसी के बीज गिरने से ये हो गया। ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही इसमें लगाया है, नहीं तो ये मेरे इसी गमले में लगा हुआ था इसके साथ ही, तो मैंने, और ये देखो इसमें भी ये बीज गिरने से इसमें एक पौधा ये नया निकला है। और छोटे छोटे मेरे बहुत सारे पौधे निकले हुए हैं, ये देखो छोटे छोटे बहुत सारे, जहाँ जहाँ इसके बीज गिरे हैं वहीं वहीं मेरे छोटे छोटे बहुत सारे पौधे निकले हुए हैं। ये देखो एक बिल्कुल छोटा सा, ये भी बिल्कुल छोटा सा है, और ये देखो ये है, और ये देखो ये मरवे के जो मेरे बीज गिरे थे, जो मेरा मरवे का पौधा है उसके भी देखो ये बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट निकले हुए हैं। और बात करते हैं अब इसके फर्टिलाइज़र की, तो मैं इसमें गर्मी में कोई फर्टिलाइज़र नहीं देती। वो मैंने, आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि गर्मी में मैं किसी भी प्लांट में फर्टिलाइज़र नहीं देती, क्योंकि गर्मी में फर्टिलाइज़र देने से पौधे में एकदम गर्मी बढ़ती है और पौधा सूखने का डर होता है, उससे भी आपकी तुलसी सूख जाती है। अगर आप गर्मी में फर्टिलाइज़र देंगे तो उससे भी आपकी तुलसी सूख जाएगी, तो आप गर्मी में फर्टिलाइज़र नहीं दें। और कोशिश करें कि आप फर्टिलाइज़र ना दें ताकि आपके पौधे की मिट्टी ठंडी रहे और आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करे। और जैसे आपका ये तुलसी का प्लांट इतना बड़ा हो जाए, जैसे आपके उग जाते हैं छोटे छोटे, मेरे बहुत सारे आ जाते हैं जो मैंने आपको दिखाया अभी, और तो इसको आप अलग गमले में कैसे लगा, जब ये इतना बड़ा हो जाए तो इसको अलग गमले में लगा लें, तो उससे ये इतना साइज लगाओगे तो आपका जल्दी से ग्रोथ पकड़ जाएगा। ये मैंने इतना ही साइज लगाया था, ये देखो मेरा काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है अब। ये भी मेरा मैंने उस गमले में से इसमें लगाया है, और ये देखो ये मरवे के बीज गिर के भी मेरे, देखो ये मरवे के प्लांट भी हो रखे हैं छोटे छोटे। और इसको इसको अब हम इस गमले में लगा लेते हैं। देखो ये हमने मिट्टी ली है और गमले में ये देखो पूरे वो होने चाहिए नीचे से, ताकि आपके एक्स्ट्रा पानी आपका बाहर निकल जाए। तो इसमें हम थोड़ी सी, ये देखो ये मैंने थोड़ी सी राख ले रखी है, ये थोड़ी सी राख है और हल्दी है, ये इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि जड़ में कोई फंगस ना लगे। और एक फ़ायदा इसका ये भी है कि आपकी तुलसी में जब कीड़े लग जाते हैं तो आप इसको, जब कई बार इसमें जैसे छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं इसके पत्तों में, तो मैं इसमें क्या करती हूँ कि वैसे मेरी तुलसी में लगते नहीं हैं क्योंकि राख डालेंगे हम इसके में तो भी नहीं लगते, और अगर आपकी तुलसी में कीड़े भी लगते हैं तो आप पानी का स्प्रे कर दें इस पर और थोड़ी थोड़ी राख इसके ऊपर से डाल दें, तुलसी के पत्तों पे ऐसे थोड़ी थोड़ी राख डाल दें और इसको मिक्स करके, तो इससे आपकी तुलसी बहुत अच्छे से रहेगी। देखो मेरी ये मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले लगाई थी, अच्छे से ग्रोथ कर रही है, तो ये मिलाने से आपकी तुलसी बिल्कुल नहीं सूखेगी और इतनी बढ़िया तरीके से चलेगी।
और ये जो राख है ये आप वैसे भी अपने पौधों में डाल सकते हैं ऐसे थोड़ी थोड़ी, तो इससे भी आपके पौधे अच्छे रहेंगे। मतलब ये है कि अगर आपके पास राख नहीं है तो वो भी आप थोड़ा सा, जैसे उपला कहीं भी मिल जाता है आपको, जैसे गाय भैंस रखते हैं आप आजकल तो हर जगह मिल जाता है, तो उसको आप छोटा सा उपला लेके और आप उसको गैस के ऊपर रख के और वैसे गैस जला के और उसको जला के और उसकी भी आप थोड़ी देर, जैसे जब वो जल जाएगा तो उसको एक प्लेट में रख दे थोड़ी देर के लिए और उसको फिर थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दे, ना करें तो आप वैसे भी रखते तो वो वैसे भी अपने आप थोड़ी देर में बुझ जाएगा और उसकी राख बन जाएगी। तो जब भी आपकी तुलसी में कीड़े लगे तो आप आसानी से ऐसे राख बना के और उस पे अपनी तुलसी पे पानी का छिड़काव करके और उस पे वो राख वो रख दे, तो उससे वो काले काले जो कीड़े हो जाते हैं कई बार तुलसी के पत्तों में जैसे नीचे की साइड, और वो सारे पत्ते खराब कर देते हैं, पीले पड़ जाते हैं पत्ते। तो ये चीज़ करके देखिए तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी तुलसी बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी। तो ये आसानी से आप राख को घर में भी बना सकते हैं अगर आपको नहीं मिलती है तो। तो बस इसी तरह मैं अपनी तुलसी की केयर करती हूँ। और आप अपनी तुलसी की कैसे केयर करते हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।